चले गए शाम की दाम माताओं की साइन नहीं हुई रजिस्टर किधर है रजिस्टर ही नहीं लेते సహస్రబాబు కార్తవీరాజు సహస్రబాబు భృగు మహర్షి ఆశ్రమ జాతే వహా ఋషి కామధేను గాయ మా బేహద్ మే కియా विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे और वशिष्ठ ब्राह्मण थे। उनके पास पवित्रता की पावर थी। किनके पास? वशिष्ठ के पास। पक्के ब्राह्मण थे ना? और वो पक्के ब्राह्मण थे नहीं, पक्के ब्राह्मण भी नहीं थे, क्या थे? क्षत्रिय थे, माने फेलियर थे। इस बात में फेलियर है, प्योरिटी की पावर में फेलियर थे। हालांकि उनके पास अस्त्र शस्त्र बहुत थे। क्या? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, जैसे राम वाली आत्मा के पास बहुत होते हैं, भले फेलियर हो जाती है तो भी, और ब्राह्मणों के मुकाबले अस्त्र शस्त्र बहुत थे। अब समझ लो विश्वामित्र कौन है और वशिष्ठ कौन है। ब्राह्मण की दुनिया में कौन वशिष्ठ हुआ और कौन विश्वामित्र हुआ? ब्रह्मा बाबा क्या हुए? वशिष्ठ हुए। पवित्रता का विशिष्ट पुरुषार्थ उन्होंने कर लिया और वो विश्व के मित्र नहीं थे। ब्रह्मा बाबा सारे विश्व के मित्र थे, विश्वामित्र थे या सिर्फ ब्राह्मणों के मित्र थे? ब्राह्मण तो देवताओं के मित्र थे और विश्वामित्र सारे विश्व के मित्र तो थे, लेकिन उनके पास पवित्रता की पावर नहीं थी, ब्राह्मणत्व की पावर नहीं थी और सारे ही अस्त्र शस्त्र उनके पास थे। जिन अस्त्र शस्त्रों के जोर से उन्होंने सारे विश्व को जीत लिया, उनकी इच्छा हुई कि कामधेनु गौ इस ब्राह्मण के पास है, वो कामधेनु गौ यज्ञ के आदि में किसके पास थी? ब्रह्मा बाबा के पास थी। हाँ, झगड़ा तो चाहे महाभारत युद्ध हो, चाहे राम रावण युद्ध हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, झगड़ा के बीच में तो कोई ना कोई स्त्री ही आती है।
तो गौ के रूप में कोई कामधर्म गौ थी जो वशिष्ठ जी के कंट्रोल में थी, अंडर में थी, विश्वामित्र का दिल आ गया, कम से कम ये गौ तो इनसे ले ले, गौ मांगने पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं काम नहीं देंगे तुमको, ये गौ काम धेनु गौ सब मनोकामनाएं की पूर्ण पूर्ति करने वाली है क्या? अरे लक्ष्मी गौ हो तो कोई बात नहीं, पर वो ज्ञान रहता नहीं देगी, और कामधेनु गौ तो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है, वो गैया हम नहीं दे सकते, कौन है वो कामधेनु गौ? जगदम्बा। तो मना कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो मालूम क्या होगा है? अगर तुमने हमको गैया नंदी तो फिर हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, क्या क्या कर देंगे, ज्ञान बाणों का हमला कर देंगे, अस्त्र शस्त्रों से हम तुम्हें जीत करके हम गैया ले लेंगे। आज में भी ये लड़ाई हुई थी क्या यज्ञ की, आज में भी ये लड़ाई हुई थी और अंत में भी यही लड़ाई है। युद्ध हुआ, विश्वामित्र ने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किसके ऊपर कर दिया? वशिष्ठ जी के ऊपर कर दिया। वशिष्ठ जी क्या करते गए? उनके पास जो पवित्रता का दंड था, जो भी अस्त्र शस्त्र छोड़ते थे वो दंड आगे करते थे, सारे अस्त्र शस्त्र उनके खत्म हो जाते थे। अभी भी ऐसे ही हो रहा है कि नहीं है? वो कामधेनु गैया के ऊपर किसका अधिकार है? उस कामधेनु गौ के ऊपर कौन सवार है? अरे अरे आज में वो कामधेनु गौ जगदम्बा का पाठ बजाने वाली और अंत में महाकाली का पाठ बजाने वाली, महाकाली जो पाठ बजाती है तो उसके सर पर सवार कौन होता है? चंद्रमा। कौन है क्या चंद्रमा? वही बात है ब्रह्मा का, वो बुद्धि की लगाम पकड़े बैठे, ले तो जाओ तुम। तो युद्ध हुआ और विश्वामित्र को हाथ कुछ भी नहीं लगा, तो विश्वामित्र को गुस्सा आ गया है? अपने अस्त्रों के ऊपर बेकार है ये, दिग बलम क्षत्रिय बलम, बेकार है क्षत्रिय बल को, ढेर सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लिए, बेकार है इन अस्त्र शस्त्रों को, दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, क्या ब्रह्म तेज है वही असली बल है। फिर उन्होंने तपस्या शुरू कर दी, तपस्या करके उन्होंने ब्रह्म तेज हासिल कर लिया, क्या तपस्या करी और क्षत्रिय से क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए पक्के। फिर तो वशिष्ठ जी अपने आप गैया दे दी हो जाए बीच में एक बार पहले वाला हाँ वो मैंने कहा आया। तो ये कथाएं बनाई हुई है, मेनका कोई दूसरी नहीं है, एडवांस पार्टी जब शुरू होती है तो बीच हुआ या आदि हुआ या अंत हुआ? बीच हुआ। एडवांस पार्टी शुरू होती है तो मेन माने मुख्य और का माने क्या है, प्रश्न चिन्ह पैदा होता है उसके लिए, ये मुख्य है क्या
मना एडवांस पार्टी की शुरुआत में पहले पहले सरेंडर तो होती है, बाप की बनती है, तो बहुतों को शक पैदा हो जाता है। क्या बाप की बनती है लेकिन बाप के साथ आज से लेकर के अंत तक तो क्या थोड़ा समय भी निभा नहीं पाती है। क्या बाप का बनने से नंबर बनेगा, मुखिया का नंबर बन जाएगा, मुख्यमंत्री का बन जाएगा, या निभाने से बनेगा? है निभाने से बनेगा। तो आज में सरेंडर तो होती है लेकिन साथ नहीं निभाती, साथ दूसरों दूसरों का भी निभाती है और बाप का भी निभाती है, तो माया भी हो गई या श्रेष्ठ होगी? माया भी हो गई। तो लोगों को ये शक हो जाता है, ब्राह्मणों को ये शक हो जाता है कि पहले पहले ये सरेंडर हो गई, भगवान की बन गई, तो ये मुख्य है क्या? मैन मैन मन मुख्य, मैन का माने यही मुखिया है क्या? खास करके कलकत्ता वालों को ये प्रश्न पैदा होता है, वो महाकाली को बहुत मानते हैं, संशय में पड़ जाते हैं। तो मेनका पहले पहले विश्वामित्र की तपस्या भंग करती है बीच में, तपस्या भंग हो जाती, तो तपस्या में रोड़ा अटक गया ना, प्राप्ति होगी या नहीं होगी? तपस्या में अगर मेनका ने हरण डाल दिया तो तपस्या भंग होगी, प्राप्ति हो नहीं सकती। एक बार तो मेनका उनकी तपस्या भंग कर देती, बाद में भले वो जीत जाए। और बाबा तुमको सद्गत देने आया हो, ऐसे बाबा बहुत बोल रहा है ना, हाँ इन ब्रह्मा को नहीं सद्गत नहीं है, हाँ ब्रह्मा का नहीं सद्गत नहीं है क्या? सत्य माने सच्ची, गति माने गति, दुर्गति नहीं गति। सच्ची गति जो है वो पुरुषार्थ करने वाले को जिंदा रहते रहते मिल जाए तो सच्ची गति है, या शरीर छोड़ने के बाद गति मिले वो सच्ची गति है। तो आ गया समझ में, ब्रह्मा को मिली या नहीं मिली? ब्रह्मा को भी नहीं मिली और ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी सच्ची गति नहीं मिली। सदगति, सदगति कहते ही है शरीर के साथ, शरीर रहते रहते गतिमान बुद्धि बन जाए, बुद्धि गतिशील हो जाए। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए जिस दिन, उनसे ज्यादा तो बुद्धि मम्मा की चलती थी, मम्मा की बुद्धि जो है फिर भी गतिशील थी, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि तो बिल्कुल बच्चा बुद्धि। तो सदगति हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। सदगति हो जाती तो वो भगवान से प्राप्ति करते या देवता से प्राप्ति करते? सत्य की बात कही किससे मिलती? भगवान से मिलती, मिली भगवान से नहीं मिली, शरीर भी छोड़ दिया भी। और बाबा एक वार्तालाप में कहा है सहनशीलता का पाठ किसने बजाया? बजाया है ब्रह्मा बाबा ने। फिर एक मुरली में कहा है सहन शक्ति का पाठ सुप्रीम सोल ने बजाया है। जो कैसे बताया बातें हैं।
प्राप्ति देहदारी को होता है, होती है पार्ट बजाने की। कोई भी पार्ट बजाया जाता है तो पार्ट, जो पार्ट बजाया जाता है उस पार्ट की प्राप्ति देहधारी को होती है, आत्मा को होती है या भगवान बाप को होती है? तो भगवान बाप देहधारी तो नहीं, भले ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में सहनशीलता का पार्ट भगवान शिव ने ही बजाया, परंतु जिसके तन के द्वारा बजाया वो तनधारी उस सहनशीलता की प्राप्ति का अधिकारी हुआ या निराकार हुआ? तन के द्वारा सहनशीलता धारण की ना, दुख दुख तन के द्वारा भोगा जाता है या बिना तन के भोगा जाता है? तन के द्वारा भोगा जाता है। तो तन किसका था? ब्रह्मा। इसलिए बल ब्रह्मा के द्वारा सहनशीलता का पार्ट सुप्रीम सोल शिव ने बजाया, परंतु तन ब्रह्मा का था इसलिए उसकी उपलब्धि भी ब्रह्मा के लिए जाएगी। शिव उसकी उपलब्धि प्राप्त नहीं करता, ऐसे नहीं कि शिव ने सहन किया तो शिव की आत्मा अगले जन्म में सहन कराने के निमित्त बनेगी, नहीं। जिस तन के द्वारा सहन किया वो तनधारी आत्मा ही सहन कराने के निमित्त बनेगी। और तो ब्रह्मा के पास आने वाला पैदावार वाले आते हैं ब्रह्मा के पास, दादा के पास। हाँ, वो पैदावार का या द्वापर युग का? ब्रह्मा के पास जो बेसिक नॉलेज में प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ने आए, वो पढ़ाई पढ़ने वाले उच्च पद पाने वाले हैं, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ने वाले ऊंचे अधिकारी बनते हैं या ऊंची स्टेज की पढ़ाई पढ़ने वाले ऊंचे अधिकारी बनते हैं? है? जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई पढ़ते हैं, वो ऊंचे अधिकारी बनते हैं। और जो छोटी मोटी पढ़ाई के अधिकारी बनते हैं, पढ़ते हैं, अपराधी बन जाते क्या? तो द्वापर का प्रजावर वाला है। शिव बाबा से जो भी पढ़ाई हो, चाहे बेसिक हो और चाहे एडवांस की पढ़ाई हो, द्वापर में उसकी प्राप्ति नहीं होती है। उसकी प्राप्ति कहाँ होती है? 21 जन्मों में होती है, या तो यही इसी जन्म में होगी, या तो सचिव में होगी, या तो त्रेता में होगी। जो बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई की प्रारब्ध कहाँ मिलेगी? संगम युग में ही पहले तो मिलेगा। अगर संगम में नहीं मिली तो सचिव में मिलेगी, सचिव में भी नहीं मिली तो त्रेता में मिलेगी, मिलेगी जरूर। नई दुनिया का फाउंडेशन कितने आत्माओं के द्वारा डाला जाता है और कब तक? जो फाउंडेशन डालने वाले होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कोई मकान बनता है तो मकान का फाउंडेशन डालने वाले पहले तो होता है मकान मालिक, क्या मकान मालिक होता है ना, कारीगरों को बुलाता है, इंजीनियर को बुलाता है, ऐसे तुम ये नक्शा बनाओ तुम ये काम करो, और मजदूरों को भी बुलाता है। तो वो धन के लोग में सबको इंस्पिरेट करता है, वो मुस्कुरा बढ़ाता है। इंजीनियर सोचता है अरे हमको इतना पैसा मिलेगा, बढ़िया नक्शा बनाओ। कारीगर भी कहता है अरे इतना पैसा मिलने वाला है, तो वो कारीगर बढ़िया बिल्डिंग बनाता है। और जो मजदूर होते हैं वो भी सोचते हैं अरे इतनी मजदूरी जितनी
यहाँ से मिल रही है, इतनी मजदूरी तो कभी मिलने वाली नहीं है। तो बड़े फोर्स से काम करता है, तो उमंग उत्साह देने वाला मालिक अलग, क्या दूसरा है, बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े कारीगर वो प्लानिंग करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। और तीसरे होते हैं बर्तन धोने वाले, ईंट ढोते हैं, सामान ढोते हैं, नीचे ले जाते हैं, ऊपर लेके आते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। तो यहाँ भी तीन प्रकार की पार्टी है नई दुनिया बनाने वाले, कौन से? एक तो जो सतगुरु की नई दुनिया आवेगी, स्वर्ग बनेगा, उस दुनिया को बनाने के लिए इंस्पिरेट करने वाली आत्मा, क्या उमंग उत्साह बढ़ाने वाली आत्मा, जो शरीर छोड़ती जा रही है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी जो शरीर छोड़ने वाले हैं, वो सतगुरु की जो मकान बनेगा उसके पहले पहले मालिक होंगे या नहीं होंगे? मालिक होंगे। बच्चा बाप का बच्चा होता है तो मालिक होता है ना, तो वो आत्माएं अभी मालिक बन करके प्रवेश करके उमंग उत्साह बढ़ा रही है। और जिनमें प्रवेश किया जा रहा है वो प्लानिंग कर रही है, बुद्धि की तीखी है, मनन चिंतन मंथन करके बढ़िया प्लानिंग करके तैयार करके देती है, अच्छे अच्छे कारीगर है उसमें। वो कौन सी आत्मा है जिनमें प्रवेश हो रहा है? एडवांस पार्टी की आत्मा। और तीसरी वो है जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है, नक्शा बनाने वाली भी नहीं है, प्लानिंग करने वाली भी नहीं है, लेकिन उनके बगैर मकान नहीं बन सकता, क्या है? वो आत्माएं हैं जिनमें प्योरिटी की पावर बहुत है। दुनिया के सारे काम कौन सी ताकत से होते हैं? प्योरिटी की पावर से होते हैं। प्योरिटी की पावर नहीं है तो कोई काम नहीं, कितना भी सोचते रहो, दिमाग चलाते रहो, नक्शे बनाते रहो, कुछ होने वाला नहीं। गांधी जी और उनके फॉलोअर राम राज्य चाहते थे, लेकिन प्योरिटी की पावर तो थी नहीं, तो राम राज्य की जगह और क्या बन गया? राम राज्य बन गया। पहले पहले प्योरिटी की पावर चाहिए। तो ब्राह्मणों की दुनिया में एक ग्रुप ऐसा भी है जिसमें प्योरिटी की पावर है, क्या? दिमाग इतना ज्यादा नहीं है कि नई दुनिया का नक्शा बना सके और दूसरों को बता सके, लेकिन मकान बनाने वाले कारीगर बहुत तीखे, तो वो है विजय माला। समझ में आ गया क्या प्रश्न था? प्रश्न एक बार रिपीट करो तो समझ में आए। कितने आत्मनों के द्वारा डाला जाता है? तो समझ में आ गया क्या? उसमें बेसिक पार्टी के शरीर छोड़ने वाली भी आत्माएं हैं, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वालों में, और एडवांस पार्टी की प्लानिंग पार्टी वाले भी हैं। अभी दो इकट्ठे हुए हैं क्या? अभी तीसरा ग्रुप नहीं आया है, और तीसरा ग्रुप आएगा और फाउंडेशन पक्का पड़ जाएगा। और दादी जिम्मेदारी है ना,
शिव बाबा आने आया के तुम समझ बात नहीं करो, एक आदमी पूछता है तो ब्रह्मा बाबा का तंग में शिव बाबा आने आने के समय में दारू दे दिया, पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना शिव बाबा के पास, उनको अरे जब ब्रह्मा बाबा सतीगुण जाएंगे तो उनको फॉलो करने वाली दीदी जाती है सतीगुण जाएंगी, ये कैसे? जब ब्रह्मा बाबा सतीगुण जाएंगे गुरु जी जाएंगे तो गुरु जी के चेले भी जाएंगे, चेले भी जाएंगे। अरे जहाँ तक गुरु की पहुंच होगी वहां तक चेले भी तो पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंचे, उससे ऊपर की सीढ़ी नहीं पहुंचेंगे। महादेव ने रावण की शक्ति पर प्रसन्न होकर आत्मलिंग ज्योति देते हैं और आत्मलिंग धरती से स्वस्थ नहीं होना ऐसे कहते हैं, इसका बेहद में मतलब क्या? इसका बेहद में मतलब ये है कि राम ही रावण बनता है, बोला है, है? माने राम वाली आत्मा हो गई रावण, है? और भगवान हो गया शिव, दोनों आत्माएं अलग अलग है कि एक ही है? भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के एक कर दिया, लेकिन भगवान शंकर नहीं है, भगवान कौन है? शिव है भगवान, और उन्होंने दे दिया उनको ज्योतिर्लिंग, क्या ले और इसको संभाल के रखो, भले इससे सारा काम लो, ये लिंग जो काम करता है तो करो, लेकिन क्या नहीं करना, ये जमीन में स्पर्श न करने पाए, जमीन माना मिट्टी, ये दे अभिमानी की मिट्टी में अगर स्पर्श कर गया, क्या दे अभिमानी की मिट्टी में अगर स्पर्श कर गया तो खेल खराब आया, सोच आ गया। बाबा वार्तालाप में कहा है स्त्री छोला सोते हुए भी अंत में पुरुष बन जाएगी, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि स्त्री नारायण नहीं बन सकती है, नारायण बन नहीं बन सकती कहते हैं, जो ऐसा शब्द उठेगा कैसे बनेंगे, वैसा बनेंगे? वो पढ़ाई पढ़ने से पहले उनसे पढ़ाई पढ़ लिया करो अच्छी तरह से, जो लिख करके देते हैं ना उनसे अच्छी तरह समझ लिया करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। अब कोई भी हो, वार्तालाप में कहा है श्री चोला होते हुए भी अंत में पुरुष बन जाएंगे, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि श्री नारायण नहीं बन सकते, कहते हैं जो जैसा जो नारायण बनेगा वो नारायण नई दुनिया में बनेगा, नई दुनिया में राज्य करेगा या पुरानी दुनिया में राज्य करेगा, नई दुनिया में राज्य करेगा, और जो जगदम्बा का पार्ट होगा वो 500 करोड़ की दुनिया के बीच में होगा, सारे जगत के बीच में होगा या नई दुनिया की थोड़ी आत्माओं के बीच में होगा, सारे जगत के बीच में होगा, तो वो संगम युग का पार्ट हो गया, पुरानी दुनिया के बीच में असुरों को मारने का पार्ट, चाहे वो एक जगदम्बा हो जो महाकाली बनती है और चाहे वो जगदम्बा की भुजाएं हो, ये भुजाएं होती है ना, तो वो भुजाएं भी वही पार्ट बजाती है, कौन सा पार्ट है? जो महाकाली पार्ट बजाती है असुर संहारिणी का, वो महाकाली की भुजाएं भी वही पार्ट बजाती है, लेकिन चोला कौन सा होता है? स्त्री चोला होता है, वो स्त्री चोले से सारे विश्व की सब असुरों के ऊपर कंट्रोल करती है,
पुरानी दुनिया में, असुरों की दुनिया में, पतितों की दुनिया में सब पतित होते हैं, कोई पावन भी होता है। पतित दुनिया में सब पतित होंगे, असुर होंगे या देवता होंगे, सब असुर होते हैं। और पावन दुनिया में सब पावन होंगे। तो जगदम्बा का पाठ कहाँ होगा और नारी से लक्ष्मी बनने वाले का पाठ कहाँ होगा? वो तो नई दुनिया की बात होगी, और जगदम्बा का पाठ पुरानी दुनिया की बात। पुरानी दुनिया के अंदर जब तक नारी चोला है और नारी चोला से ऐसा पाठ बजाया है, अरबंगा, जैसे शंकर के लिए कहते हैं ना अरबंगे, महाकाल अरबंगा है तो महाकाली भी अरबंगी। सबकी समझ में आने वाला पाठ नहीं है तो स्त्री चोला जब तक है तब तक उसका गायन है संगम युग का, और फिर जब दुनिया का विनाश हो जाएगा, विनाश होने के टाइम पर वो स्त्री चोला बदल करके क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। कहते हैं जो देश का संकल्प करेगा वैसा बनेंगे, ठीक है? ब्रह्मा के संकल्प से अच्छे बच्चे, ठीक है? तो अब प्रश्न क्या है? जैसा संकल्प करेंगे वैसे बनेंगे, पक्की बात? ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, ये भी पक्की बात है? कहा अरे ये बात पूरी हो गई क्या? क्या है? स्त्री चोला होते हुए भी अंत में पुरुष बन जाएंगे, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि श्री नारायण नहीं बन सके? कहते हैं जो जैसा संकल्प करेगा वैसा बनेंगे, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रहते, ठीक है? ब्रह्मा ने जो संकल्प रचा उस संकल्प को उन्होंने जीवत के अनुसार रचा या मनमत और मनुष्य मत के आधार पर रचा? श्रीमत के अंतर संकल्प चलाए तो नई दुनिया बन गई। बाबा एक मुरली में बोला है सूर्यवंशियों में काम के लिए अग्नि जाती होती है। हाँ लेकिन सूर्य है ना, कितनी भी काम की अग्नि हो सूर्य से ज्यादा अग्नि होती है क्या? अग्नि देवता ज्यादा तीखा है या सूर्य ज्यादा तीखा है? सूर्य ज्यादा तीखा है, रब भसम कर देना। और क्रोध की भी जाती होती है। हाँ वो तो है, काम तो मुखिया है, जब मुखिया ही इतना पावरफुल है तो उसके साथ साथ जो साथी होंगे वो भी पावरफुल ही होंगे। तो ये बात सूर्यवंशियों के लिए जैसे लागू होगी, क्योंकि उसमें तो अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है, तो ये बात सूर्यवंशियों के लिए कैसे लागू होगी? क्या बात? आप समझ गए इनकी बात? समझ गए हो तो बताओ, तुम बताओ। सूर्यवंशियों में तो काम क्रोध और ज्यादा होते हैं ना, तो अष्टदेव भी सूर्यवंश में आएगी ना? आएंगे तो ऐसा कर दिया, मतलब अष्टदेव के कनेक्शन कर दिया, अष्टदेव से वो कंपेयर कर रही माता जी। किसको? सूर्यवंशी तो सूर्यवंशी आएंगे अष्टदेव, तो भी होगा ना, होगी ना, तो समय कैसे? नई बात क्या है, जो सबसे जाती भिकारी बनते हैं वही सबसे जाती निर्विकारी बनते हैं, जो सबसे जाती पतित बनते हैं वही सबसे जाती पावनी बनते हैं। नई बात क्या है? जो क्रिश्चियन से है वो बाद में आने वाला धर्म है, न ज्यादा भिकारी बनते हैं न ज्यादा निर्विकारी बनते हैं। कृष्ण है, कृष्ण के फॉलोअर हैं, वो ना ज्यादा पावन बनते हैं ना ज्यादा पतित बनते हैं। सीढ़ी की चित्र में देखो नीचे, ब्रह्मा फिर भी खड़ा हुआ है और रामायण यात्रा एकदम पड़ी हुई,
तो ज्यादा पतित कौन बना? राम वाली आत्मा पतित ज्यादा बनती है और फिर इतनी पावन बनती है कि कृष्ण जैसी आत्माओं को भी जन्म देने के निमित्त बनती है। तो जन्म देने वाला रचयिता ज्यादा पवित्र है, ज्यादा पावरफुल है, या रचना ज्यादा पावरफुल? रचयिता ज्यादा पावरफुल। कहना क्या चाहते सूर्य में काम क्रोध ज्यादा है ना, तो बाकी आश्रय जो है ऐसा तो है, सूर्य में भी काम क्रोध ज्यादा होना चाहिए, वही पूछ रहे क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जो जितना नीचे उतरता है उतना ही ऊंचे चढ़ता है, उसमें नीचे उतरने की भी ताकत ज्यादा है, तो ऊपर चढ़ने की भी ताकत ज्यादा है। संघ के रंग की बात है, 83 जन्म रहता है श्रेष्ठ सूर्य का संघ, इसलिए नीचे नहीं गिरता, और 84वें जन्म में लास्ट जन्म में नीचों का संघ हो जाता है। कोई राजा का बच्चा हो और कोई गरीब का बच्चा हो, दोनों ही कुसंग में चले गए तो ज्यादा कौन बिगड़ेगा? राजा का बच्चा ज्यादा नीचे चला जाए, ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही ये सूर्य के बच्चे हैं, राजा है, राजा की नहीं, राजाओं का भी राजा उसके बच्चे हैं। तो जब नीचे गिरते हैं तो जो नीचे से नीचे हैं उनको भी क्रॉस कर जाते हैं। महाभारत में पांडव द्रौपदी को साथ में लाते हैं, महाभारत में पांडव द्रौपदी को साथ में लाते हैं। पांडव कहते हैं वस्तु लाई है, पांडव कहते हैं वस्तु लाई है, कुंती से दान लाया है। तब कुंती कहती है आपस में बांट कर खाओ, ऐसे कहते हैं तो इसका बहस में क्या आदमी है? जिसको वो दान में लाए हैं, जिसके लिए बताया कि हम दान में लाए हैं, तो वो दान में लाई हुई जो द्रौपदी है वो वास्तव में ब्राह्मणी है या कोई चीज है? ब्राह्मणी है। जो ब्राह्मणी है उस ब्राह्मणी से जो सेवा लेनी है वो पांच पांडव मिलकर के ले नहीं सकते है? सेवा ले सकते हैं और उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते? सुरक्षा कर सकते हैं। जो सुरक्षा करने वाले होते हैं उनको पति कहा जाता है। वो तो मुरली में भी बता दिया है, नाम से तो बातें लिख दी है शास्त्रों में। अरे भारत की नारी को कहीं पांच पति होते हैं क्या? इतने यहाँ संगम की बात है। तो अग्नि से पैदा होने वाली है क्या? अग्नि अपवित्र होती है क्या? अग्नि अपवित्र होती ही नहीं तो उससे पैदा होने वाली चीज अपवित्र कैसे हो जाएगी? ध्रुवपदी, इसका पद ध्रुव है, इसके पद को कोई नीचा नहीं उतार सकता है। बाबा पूना के वातावरण में बाबा ने कहा है श्री नारायण नहीं बनते, श्री नारायण ही नारायण नहीं बनते, तो श्री जगदम्बा की भुजा बन सकती है, ऐसे बोला है। लेकिन श्री चोला जो है वो नारायण नहीं बनेगा क्या? श्री चोला ये चाहे कि हम नारायण बन जाए तो नारायण नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर? स्त्री चोला श्रीमत के अनुकूल अगर चल करके पुरुषार्थ करे तो नारायण ही बन सकता है, माना नारी से नारायण ही बन सकती है, नारी से लक्ष्मी बन सकती है। लेकिन स्त्री चोला ये अहंकार करे
क्योंकि स्त्री चोला जो मिला है संगम युग में वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिला है संगम में जब भगवान आते हैं या अनायासी मिल गया है पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसके आधार पर स्त्री चोला मिला है स्त्री चोला के पुरुषार्थ में और पुरुष चोला के पुरुषार्थ में कोई विशेष अंतर बताया है बताया है कि नहीं बताया क्या बताया नहीं पुरुष चोले में दो प्रकार की चोले होते हैं एक होते हैं कुमार और एक होते हैं अधर कुमार कुछ अंतर बताया है क्या बताया कुमार जो चाहे तो कर सकते हैं इतनी ताकत है कुमारों में कुमारियों के लिए नहीं बोला क्या कि जो चाहे तो कर सकते हैं चौराहे पर बैठ करके पुरुषार्थ कर सकती हैं हम ये चाहते हैं तो कर सकते हैं हम बिल्कुल नहीं कर सकते फिर भी उनको आधीन रहना पड़ेगा क्या कोई ना कोई पुरुष की सुरक्षा में रहना पड़े वो पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्म ऐसा आ गया है जो स्त्री चोला मिल गया और कुमारों को वो चोला मिल गया है जिसके आधार पर उनको ये वरदान मिल गया कुमार अगर अच्छी चाल चले तो विश्व के मालिक बन सकते इससे बड़ी चीज तो कोई उपलब्धि होती नहीं तो नारी और नर ये अंतर पड़ जाता है कि नर्तन में भगवान आता है और नारी में भगवान नहीं आता है और ब्रह्मा कुमारियां कितना भी जोर लगाती रहे कि गुलजार दादी में भगवान आता है लेकिन ये बात साबित नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये साबित हो जाए तो भगवान तो सबका है या सिर्फ नारियों का ही है सबका है नारी चोले का भी भगवान है और पुरुष चोलों का भी भगवान है सबके संग के रंग में आने वाला है सबके साथ संबंध जोड़ने वाला है और सब प्रकार के संबंध जोड़ने वाला है अगर नारी चोला सर्व संबंध जोड़ेगा भगवान बनकर के तो व्यभिचार फैलेगा वैश्य बनेगा या शिवालय बनेगा वैश्य बन जाएगा भगवते नाम क्यों है भगवान भगवती भी क्यों भगवती किसके अधीन होती है जय जी राम भगवान भगवान अरे रिज्यूविनेट यहाँ संगम युग जब तक रहेगा तब तक शरीर रिज्यूविनेट होगा या संगम युग पूरा हो जाएगा 100 साल का उसके बाद रिज्यूविनेट होगा पांच तत्व ये रिज्यूविनेट हो जाएंगे पांच तत्व जो जड़ तत्व है ये जड़ तत्व ज्ञान से सुधर जाएंगे ये दुनिया में जो पांच तत्व फैले हुए हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और उनसे बने हुए ये शरीर ये पांच तत्व जो जड़ तत्व है वो पहले सुधरेंगे या चैतन्य आत्मा पहले सुधरेंगे चैतन्य आत्मा पहले सुधरेंगे एक तरह मुरली होता है आत्मा पावरफुल बनती जाएगी और शरीर पांच तत्वों से बने हुए शरीर सर पे जावेंगे क्यों सर पे जावेंगे इसलिए सर पे जावेंगे कि दुनिया में जो पांच तत्व चारों चोर दुनिया में फैले हुए हैं ढेर के ढेर वो तमोप्रधान बनते जा रहे हैं तत्वप्रधान बन रहे हैं क्यों तमोप्रधान वो पहले बन रहे हैं क्योंकि चैतन्य आत्माएं ज्ञान से सुधर सकती है क्या
वो पहले सुधर सकती है और जड़ तक तो नहीं सुधर सकते। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये जो प्रकृति के पांच तत्व है, ये जो जड़ प्रकृति है वो पहले नहीं सुधरेगी। पहले कौन सुधरेगा? प्रकृति का सुधार पहले नहीं हो सकता। प्रकृति पति का सुधार पहले होता है। प्रकृति पति है चैतन्य और प्रकृति है जड़। तो दुनिया के पांच तत्व जड़ तो में ही है, वो तब सुधरेंगे जब सारी दुनिया के पांच तत्वों से बने हुए जो शरीर है सब खलास हो जाते। प्रकृति पति इस तेज वालों को छोड़ करके, नहीं समझ रहे, जिन्होंने प्रकृति पति की तेज धारण कर ली है वो ही बचेंगे। और बाकी दुनिया में जो और धर्म की आत्माएं हैं, चाहे वो बीज रूप आत्माएं ही क्यों न हो, सब खलास हो जाने वाले। महापुरुष बनेगी ना? अरे वही तो बताया, जो प्रकृति का पार्ट है वो सूर्यवंशी पार्ट है या चंद्रवंशी पार्ट है? जड़त्वमय बुद्धि का पार्ट है या चैतन्यमय बुद्धि है? जड़त्वमय बुद्धि है। जो उसमें प्रवेश करने वाला चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, उसकी बुद्धि इतनी चलती है, वो बुद्धि चैतन्य बुद्धि है। ब्रह्मा ही चैतन्य बुद्धि नहीं है, चित्त शक्ति तीखी नहीं है। तो ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है वो डब्बा कैसे पहले सुधर जाएगा? है पहले आत्मा सुधरे। इसलिए बोला कि प्रकृति है रचना, प्रामाण प्रकट, प्रति माने रचना, प्रकृति है रचना और प्रकृति पति है रचयिता। ज्यादा शक्ति किसमें होती है? प्रकृति पति में ज्यादा शक्ति होती है, रचना में बाद की शक्ति होती है। तो जब दुनिया का विनाश होगा तो प्रकृति इतना विकराल रूप धारण करेगी कि जितने भी और धर्मों के बीज है, जितने भी और धर्म के आधारभूत जड़े हैं, अथवा जितने भी 500 करोड़ मनुष्य हैं, वो सब खलास हो जाते। भले वो खुद भी समाप्त हो जाते। उसको जो चलाने वाला, प्रकृति को चलाने वाला जो चंद्रमा है, चंद्रमा माने ब्रह्मा, वो ही पहले खलास हो गया। पुरुषार्थ करते करते खलास हो गया या उपलब्धि करके गया? पुरुषार्थ करते करते ही खलास हो गया। तो वो जिसको संभालेगा वो कैसे आगे, वो आगे बढ़ जाएगा? जो पति होता है वो ऊंच कुल से होता है और पत्नी उसके मुकाबले थोड़े नीचे कुल से होती है। तो पति तो है सूर्य और पत्नी है पृथ्वी, नीची स्टेज वाली है, इसलिए वो कम ताकतवर है और वो ज्यादा ताकतवर है। और पांच विकार को भूत कहते हैं और सूक्ष्म शरीर को भी भूत भूत कहते हैं। पांच विकार को भूत कहते हैं, भूत और सूक्ष्म शरीर को भी भूत भूत कहते हैं। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जो पांच विकार वाली आत्माएं होती है, जिनमें जो आत्माएं अपने को आत्मिक स्थिति में नहीं स्थिर कर पाती है, पांच भूत रह जाते हैं। क्या
मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, मैंने 500 करोड़ों को पढ़ाता हूँ, या जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं हैं ओरिजिनल, उनको पढ़ाता हूँ, आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तो ज्यादा जन्म लेने वाले कौन से होंगे? आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले ही तो ज्यादा जन्म लेने वाले हुए, उन आत्माओं को मैं पढ़ाता हूँ जो 84 जन्म लेते ही नहीं और यहाँ शरीर छोड़ देते हैं, पूरे 84 जन्म नहीं लेते, कुछ न कुछ वर्ष कम हो जाते हैं 84 जन्म में, जैसे ब्रह्मा कम जन्म हुए, कम टाइम कम हो गया ना, तो ऐसी आत्माएं जो है वो चंद्रवंशी बनेंगी या तो इस्लामवंशी बनेंगी या तो क्रिश्चियनवंशी बनेंगी या तो दूसरे धर्म में होंगी। क्या नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाले पक्के सूर्यवंशी नहीं होंगे? बात समझ में आई? क्या समाधान हो गया? क्या एक बार फिर से पढ़ दीजिए, भूत जो है उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पंचभूतों को त्याग नहीं पाते, पंचभूत अलग हो जाए और आत्मा अलग हो जाए ऐसा पोषाक्ष कर ही नहीं पाते। इतनी आत्मिक स्थिति धारण करे कि शरीर अलग दिखाई पड़े पांच तत्वों का और आत्मा अलग देखे, ये पांच तत्वों का चोला पड़ा हुआ, इसलिए वो अपने को पंच तत्वों से अलग नहीं कर पाते। वो आत्माएं द्वापर युग में जब आप करके कन्वर्ट होती है तो इतने कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बन जाती है कि खूब पाप करती है, उनको पाप कर्मों से रोकने के लिए उनको फिर सूक्ष्म चोला मिलता है, सूक्ष्म शरीर मिलता है, वास्तव में वो ही भूत है। क्या वो चैतन्य भूत है? और ये पांच तत्व तो जिनका चोला बनता है ये जड़ भूत है, ये अंतर है। हैं तो दोनों भूत, क्या अंतर है? वो चैतन्य भूत है, वो भूत चैतन्य प्रवेश कर जाते हैं और ये जड़ भूत किसी में प्रवेश नहीं कर सकते। चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या जड़ में क्या ज्यादा ताकत होती है? चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है। चल हो गया टाइम।